कैलाश प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि लोकसभा की जनता का विश्वास उनके ऊपर है। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान में लोकसभा के चुनावों की चुनाव प्रचार जो है वो अपने चरम पे है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर बीजेपी से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पर एक बार फिर विश्वास जताया और वो दूसरी बार मैदान में जा रहे हैं। पिछली बार 3 लाख से अधिक मतों से जीत करके वह दिल्ली पहुंचे थे, एक बार फिर वो चुनावी मैदान में। कैलाश जी, इस बार थोड़ा माहौल बदला हुआ नजर आ रहा, क्या है? ऐसा है कि आपने पिछली बार भी देखा होगा कि कई लोग ये बात कर रहे थे कि क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, लेकिन परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया और इन 5 सालों के अंदर जो प्रधानमंत्री ने काम किया है, आज गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे आपको गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न देने की बात हो, या उज्ज्वला गैस कनेक्शन मेरी बहनों को मिला हो, या जिस तरह से घरों में कनेक्शन की बात की गई हो और प्रधानमंत्री आवास मिले हो, कोरोना का टीका लगा हो, ऐसे कई प्रकार के काम हुए जो गरीबों के, आज गरीब जिस तरह से कहता है कि वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किए हैं जिससे हम गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एक्सप्रेसवे बनाए हो, भारतमाला सड़कें हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी हो, या रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ हो, या रेलवे की डबल लाइनों का काम जा किया जा रहा हो, वहीं पर रेलवे के अंदर जो अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं और जहाँ, तो ये सारे जो काम हो रहे हैं, और चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, ये सारी हिंदुस्तान की जनता देख रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जनता है, बाड़मेर जैसलमेर की जनता है, या पूरे देश की जनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और निश्चित रूप से जो परिणाम आएगा वो राजस्थान में 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीटों के साथ आएगी। तो यह है कैलाश चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक बार फिर राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत करके 400 पार बीजेपी सीटें लेके आएगी और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये 4 जून को मालूम चलेंगे। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंदे था, न्यूज 18 बाड़मेर। और चलिए इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि एक्शन में लगातार सीएस सुधांशु पंत नजर आ रहे हैं और इस बार एक्शन सीधे रोडवेज बसों पर देखने को मिली है, क्योंकि सीएस सुधांशु पंत का सिंधी कैंप बस डिपो का उन्होंने दौरा किया और ना सिर्फ दौरा किया बल्कि सिंधी कैंप प्रबंधन से, सुधांशु पंत और प्रबंधक से उन्होंने कई सवाल भी पूछे हैं। सिंधी कैंप बस डिपो पर कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं सुधांशु पंत के द्वारा, साफ सफाई से लेकर कर्मचारियों के आने से लेकर कई जानकारी उनके द्वारा ली गई। 2 दिन पहले ही एसीएस श्रेया गुहा ने भी दौरा किया था और अब सीएस सुधांशु पंत की लगातार रोडवेज और परिवहन पर नजर है और इस क्रम में सीधे सिंधी कैंप बस डिपो पर कई तरह की अनियमितताएं पाने जाने को लेकर कड़ा रुख भी इख्तियार किया है सीएस सुधांशु पंत ने। ये तस्वीरें भी आपको सिंधी बस कैंप की दिखा रहे हैं जहां पर एसीएस श्रेया गुहा भी कल आई थी, इन्होंने भी वहां पर जायजा लिया था। आज सुधांशु पंत भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कर्मचारी